Hello students, welcome to Navamko Daisy Lessons. Today we are going to learn class 5 English. In this chapter we are going to learn about our festival. So let's start. सबसे पहले start करते हैं इस lesson में. सबसे पहले हम जानेंगे festivals के बारे में. आप सभी festivals मनाते हैं तो उन्हीं फेस्टिवल्स से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं आपसे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा. पहला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे अधिक अच्छा लगता है? व्हाट डू यू वी डू ऑन अ फेस्टिवल? हम फेस्टिवल पर क्या करते हैं? हाउ डू वी सेलिब्रेट देम? हम उन्हें कैसे मनाते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 6, आवर फेस्टिवल्स. इट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर. ये कौन सा महीना है? नवंबर का महीना है. इस लेसन की बात हो रही है. सतीश हैज जस्ट कम फ्रॉम हिज स्कूल. सतीश अभी अपने स्कूल से आया है. सतीश कहता है अपनी माँ से, दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन सतीश एंड हिज मदर. ठीक है, इसमें सतीश और माँ दोनों बातें कर रहे हैं. तो उसी वार्तालाप को इस लेसन में दर्शाया गया है. सबसे पहले सतीश कह रहा है, मदर गिव मी समथिंग टू ईट, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले. मदर, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दो, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले. मेरे मित्र मेरा खेलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. मदर बी कम्फर्टेबल. पहले कंफर्टेबल हो जाओ. वॉश योर हैंड्स एंड कम. अपने हाथ धो और आओ. सतीश कहता है, मदर व्हाट्स देयर इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? सतीश वॉशेस हिज हैंड्स एंड टेक्स लंच. सतीश अपने हाथ धोता है और लंच करता है. मदर कहती हैं, आई हैव गॉट अ लेटर फॉर यू. मेरे पास एक लेटर है तुम्हारे लिए. सतीश कहता है, माँ हु हैज सेंट इट? इसे किसने भेजा? हैव यू रेड इट? क्या आपने इसे पढ़ा? मदर कहती हैं, इट इज़ फ्रॉम योर फ्रेंड. ये तुम्हारे मित्र के द्वारा भेजा गया है, जिसका क्या नाम है? गौतम. आई हैव नॉट ओपन इट येट. येट मतलब होता है अभी तक. मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया. सतीश कहता है, वाई? ऐसा क्यों? माँ कहती हैं, बिकॉज इट इज़ बैड मैनर्स टू ओपन अदर्स लेटर. क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है कि दूसरों के लेटर को पढ़ना या उन्हें खोलना. आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी वॉट इज़ देयर. मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है. सतीश ओपन द लेटर. सतीश लेटर को खोलता है एंड रीड्स इट, और उसे पढ़ता है. इट रीड्स लाइक दिस. वह उसे इस प्रकार पढ़ता है. उस लेटर में सबसे पहले क्या होता है? जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, जैसा कि इस लेटर में आपको दिख रहा होगा, 172 नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास, MP, 30 अक्टूबर 2008. ये डेट डली हुई है जब उसने ये लेटर उसको पहुंचाया है. ठीक है, 30 अक्टूबर को पहुंचाया था. और अभी लेसन के हिसाब से कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर चल रहा है. नवंबर में वो लेटर उसके पास पहुंचा है. डियर सतीश, प्रिय सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल हेयर. मैं यहाँ पर खुश और अच्छा हूँ. दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर रिसेंट लेटर. ये किसके रिस्पॉन्स में लेटर लिखा है उसने? सतीश ने इससे पहले उसे एक लेटर भेजा था, उसके रिस्पॉन्स में उसने ये लेटर उसको लिखा है. इन विच यू वॉन्टेड टू गेट अ डिटेल्ड, जिसमें कि तुमने चाहा था डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन. दिवाली और ईद सेलिब्रेशन के बारे में विस्तार से जानकारी तुमने चाही थी, वो उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिख रहा है. एज यू नो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. जैसा कि तुम जानते हो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. इंडिया लैंड मीन्स होता है भूमि, फेस्टिवल्स की भूमि है. दिवाली इज़ वन ऑफ देम, और दिवाली उसमें से क्या है? एक है. वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक. हम इसे कार्तिक के महीने में मनाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड
टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण. ये मनाया जाता है भगवान राम की विक्ट्री. विक्ट्री मीन्स होता है विजय, जो उन्होंने रावण पे पाई थी, उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए या उसकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. वी गॉट आवर हाउसेज वाइट वॉश्ड एंड डेकोरेटेड विथ अर्थन लैम्प्स. हम क्या करते हैं इस फेस्टिवल पे, अपने जो हाउस होते हैं उनको वाइट वॉश्ड करते हैं. वाइट वॉश्ड मीन्स होता है साफ सफाई करना, पेंट करवाना, उनको डेकोरेट करना. एंड डेकोरेटेड विथ अर्थन लैम्प्स, और जो घर हैं उन्हें किससे सजाते हैं, दीप होते हैं. किसके, मिट्टी के. अर्थन लैम्प्स, अर्थन लैम्प्स मतलब होता है मिट्टी के दियों से सजाते हैं. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और इलेक्ट्रिक बल्ब से. माय मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स, मेरी माँ ने मिठाइयाँ तैयार की. इन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात को. आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विथ माई पेरेंट्स, मैंने ये फेस्टिवल अपने पेरेंट्स के साथ मनाया. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मनाया. एंड यंगर सिस्टर पूजा, और छोटी बहन पूजा के साथ. यंगर मीन्स होता है छोटा, और एल्डर मतलब होता है उम्र में बड़ा. एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ, सभी ने नए कपड़े पहने. वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, हमने माँ लक्ष्मी या गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा की. देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बाद मिठाइयाँ बांटी गई. वी एट स्वीट्स, हमने मिठाई खाई. एंड लेट ऑफ फायरवर्क्स, और फायरवर्क्स छोड़े, आतिशबाजी छोड़ी या पटाखे छोड़े या चलाए. रियली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वास्तव में ये बहुत अच्छा अनुभव था. आई होप यू वुड हैव ऑल्सो इन्जॉयड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस, आशा करता हूँ कि तुमने भी यह फेस्टिवल, जो फेस्टिवल है वो इन्जॉय किया होगा. ये फेस्टिवल काय का है, लाइट्स एंड हैप्पीनेस का, प्रकाश और खुशियों का ये फेस्टिवल तुमने भी इन्जॉय किया होगा. अब बात करते हैं ईद के बारे में. ईद इज़ अनादर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड. ईद भी एक दूसरा त्यौहार है जो हैप्पीनेस, खुशियों का है, और ब्रदरहुड भाईचारे का है. ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा. माय फ्रेंड अनीस टोल्ड मी दैट, मेरे फ्रेंड अनीस ने मुझे बताया कि पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द ऑलमाइटी. पीपल क्या करते हैं, ऑब्जर्व फास्ट. ऑब्जर्व फास्ट मतलब होता है व्रत रखना या रोज़ा रखना, व्रत रखते हैं. एंड प्रे द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान से प्रे करते हैं. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के दौरान. एट द एंड ऑफ दिस पायस मंथ, इस मंथ के अंत में. पायस, पायस मीन्स होता है पवित्र. इस पवित्र मंथ के अंत में ईद इज सेलिब्रेटेड, ईद मनाई जाती है. पीपल असेंबल इन द ईदगाह, पीपल कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ईदगाह पे इकट्ठे होते हैं. एंड ऑफर प्रेयर्स, और प्रेयर्स ऑफर करते हैं टू द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान को. एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ, सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं. दे से ईद मुबारक, वे क्या कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं. एंड हग वन अनादर, और एक दूसरे को गले लगाते हैं. स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट एंड विजिटर्स, जो स्पेशल सेवइयाँ होती हैं और जो स्वीट्स होती हैं वो गेस्ट और विजिटर्स को सर्व की जाती हैं. नाउ द फेस्टिव सीजन इज़ ओवर, अब जो फेस्टिव सीजन है वो ख़त्म हो चुका है. अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आर अहेड, और जो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं वो आगे हैं, आने वाले हैं. बिफोर आई कंक्लूड, इससे पहले कि मैं अंत करूँ इस पत्र का अंत, या फिर इसको लिखना बंद करूँ, आई टेल यू वन थिंग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ. आई हैव रिटर्न अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉन, मैंने अपने मित्र जॉन को एक पत्र लिखा है. टू टेल अस, हमें बताएं हाउ ही इन्जॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर, कि उसने क्रिसमस को लास्ट ईयर कैसे इन्जॉय किया. प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, अंकल और आंट को मेरे रिगार्ड्स. एंड लव टू लिटिल चिंकी, और छोटी बहन चिंकी को प्यार. योर फ्रेंड गौतम राजौरिया, तुम्हारा मित्र गौतम राजौरिया. देखिए, तो इस तरह हमने पढ़ा कि ईद पे क्या करते हैं और दिवाली पे क्या करते हैं, हम कैसे इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं.
चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि लेटर तो वो पढ़ चुका, उसके बाद उसकी माँ और सतीश के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है। दिस इज़ हाउ ही रीड्स द लेटर, इस प्रकार उसने ये पत्र पढ़ा। मदर कहती हैं दैट इज़ वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। वैन एवर यू राइट अ लेटर टू हिम, जब भी तुम उसे लेटर लिखो, कन्वे माई लव एंड ब्लेसिंग्स, उसको मेरा प्यार और आशीर्वाद पहुँचाना। सतीश कहता है माँ मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, क्या मैं अब खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे मित्र मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मदर कहती हैं वेट, रुको, आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड दीज स्वीट्स फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए भी ये मिठाई बनाई है। फर्स्ट हैव देम, सबसे पहले इन्हें लो, एंड देन यू कैन गो, इसके बाद तुम जा सकते हो। बट डोंट बी लेट, लेकिन लेट मत होना। एज योर एग्ज़ाम्स आर अहेड, जैसे कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आगे हैं, यू शुड कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्टडीज़, तुम्हें अपनी स्टडीज़ पर कॉन्सनट्रेट करना चाहिए। सतीश टेक्स द स्वीट्स, सतीश मिठाइयाँ लेता है, एंड रशेस टू द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड की ओर चला जाता है। तो इस तरह से हमने त्योहारों के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर, जिसमें सबसे पहले है एंटोनिम्स। इसमें आपको अपोजिट वर्ड फिल करना है ओपन, हैप्पी, लॉन्ग, लाइट, गो का। तो अपोजिट वर्ड्स हैं ओपन का क्लोज होता है, हैप्पी का सैड, लॉन्ग शॉर्ट, लाइट डार्क, गो कम। तो इस तरह से आप भी फिल कर सकते हैं, और कुछ और भी होते होंगे वो भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि लाइट का हैवी भी हो सकता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से। पहला है प्यूपिल लाइट डैस ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, प्यूपिल क्या जलाते हैं दिवाली पर, तो इसका आंसर है आर्थन लैम्प्स। सेकेंड है ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड, ईद जो फेस्टिवल है वो हैप्पीनेस का है और किसका है, ब्रदरहुड का, भाईचारे का। वी डैश दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली कब मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक, हम दिवाली कब मनाते हैं, कार्तिक मंथ में मनाते हैं। हुम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली, दिवाली पर हम किसकी पूजा करते हैं, वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। हाउ डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली, गौतम ने दिवाली को कैसे सेलिब्रेट किया, ही सेलिब्रेट दिवाली विथ हिज फैमिली, उसने दिवाली को सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, उसने नए कपड़े पहने। ईट स्वीट्स, मिठाई खाई, ए लेट ऑफ फायरवर्क्स, और फायरवर्क्स छोड़े। वॉट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान मंथ में पीपल क्या करते हैं। दे प्रे द ऑलमाइटी, वे सर्वशक्तिमान से प्रे करते हैं। एंड ऑब्जर्व फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, और रमजान मंथ के दौरान व्रत रखते हैं या रोजा रखते हैं। हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, ईद के सेलिब्रेशन के बारे में गौतम को किसने बताया था, अनीस, अनीस टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनादर ऑन ईद, पीपल एक दूसरे को ईद पर कैसे ग्रीट करते हैं। पीपल से ईद मुबारक, पीपल क्या कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। ग्रीट, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। एंड हग वन अनादर, और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद है अगला, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेक द ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको सेंटेंसेस को रीड करना है, उनको समझना है, और उसके बाद आपको ट्रू या फॉल्स में से किसी एक पर टिक करना है।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। यस, इट इज ट्रू। वी गॉट अवर हाउसेस व्हाइट वॉश्ड ऑन दिवाली। हम दिवाली पे अपने हाउसेस को व्हाइट वॉश करते हैं। यस, इट इज ट्रू। गौतम रोट अ लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को पत्र लिखा। यस। पूजा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सतीश। पूजा सतीश की एल्डर सिस्टर थी। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज सी इज हिज यंगर सिस्टर। इसके बाद अगला है, सतीश मदर ओपन द लेटर हरसेल्फ। सतीश की माँ ने लेटर स्वयं खोल लिया था। फॉल्स, उन्होंने वेट किया था कि सतीश खोले और उनको पढ़ के बताएं। तो इस तरह से हमने ये लेसन कंप्लीट किया। आप भी इसको पढ़ें और तैयारी करें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।